गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द सस्तिक एजुकेशन कैंपस। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 3, हाउ मेनी स्क्वायर्स फ्रॉम द मैथ्स टेक्सटबुक। ओके, वी आर ऑन पेज नंबर 44। ओके, मेजर पजल विथ 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर से हम पजल खेलेंगे। मेजर द साइड ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर पेपर ऑफ पेज नंबर 45। मेक एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 स्क्वायर्स ड्रॉन एज 3 आर ड्रॉन फॉर यू। यहाँ पे आपको एक येलो कलर से स्पेस प्रोवाइडेड की होगी। यहाँ पे आपको क्या करने हैं, 5 5 के स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं, 5 बॉक्सेस के, जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, सो ऐसे ही आपको 5 बॉक्स के ड्रॉ करने हैं। आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हो, जितने इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और वो भी डिफरेंट शेप के भी आपको ड्रॉ करने हैं, तो आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 हो गए 5। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे कैसे, ऐसे, ठीक है, 1 2 3 ये हो गया 4। ओके, ये हो गया 5। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड ये 5, ये हो गया हमारा 6 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ड्रॉ करेंगे हम 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया हमारा 7 नंबर। ओके, नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे कैसे, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 नंबर। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से 3 4 5, ठीक है, ये हो गया हमारा 9 नंबर। आपको प्रॉपर स्केल का यूज़ करना है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ऐसे, ठीक है, सो ये हो गए 2 का, ये ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, सो ये हो गया हमारा 10 नंबर। नेक्स्ट 11 नंबर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 3, यहाँ पे 2 बॉक्सेस लेंगे तो हो गया हमारा 5 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 12 नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे 11 नंबर ये। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 6 से एक एक्स्ट्रा आ रहा तो हम ऐसे कर देंगे, ये हो गया हमारा 12 नंबर। ओके, 1 2, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 13 नंबर। ऐसे आप भी और ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, 5 5। एक और शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसका किस तरीके से होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, सो इस तरीके से, ठीक है, सो ये होगा हमारा 14। सो कितने होंगे हमारे 14 टोटल शेप्स होंगे। किसका शेप सबसे, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर, सबसे लॉन्गेस्ट पैरामीटर किसका है, तो सबसे लॉन्गेस्ट पैरामीटर होगा फिगर नंबर 14 का। फिगर नंबर 14 का कितना, तो पैरामीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, सो लेंथ कितनी है इसकी 1 2 3 4 5, ठीक है, ब्रेथ कितनी है 1 2 3, ठीक है, सो 5 प्लस 3 8 8 2 16, सो इसका पैरामीटर होगा 16। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 सेंटीमीटर, ऑलरेडी दिया हुआ है। विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पैरामीटर, हाउ मच, तो सबसे कम किसका शेप पैरामीटर होगा, डी ए ए फिगर नंबर 8 का, कितना, तो इसका पैरामीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, 2, लेंथ कितना है 3, ब्रेथ कितना है 2 5 ज़ा 10, तो कितना आएगा 10। ओके, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेप्स,
blank square centimeter. That's simple. What is the area of shapes? So shapes क्या कौन से shape में जाएंगे? Area of given shape is 5 square centimeter because this shape is made of 5 similar. Okay. आपको ये जो दिया गया है उसमें इसका एरिया पूछा गया है, ठीक है? एरिया कितना है? तो इसका एरिया कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5 स्क्वायर से बना है तो इसका एरिया भी 5 ही होगा. डिड यू गेट ऑल 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर? क्या इनमें से आपने सभी ड्रॉ कर लिए थे? यस, हम सभी अरेंज कर सकते हैं. अगर 5-5 का अगर हम उस तरीके से ड्रॉ करना है तो हम ये सारे शेप्स 5-5 में अरेंज कर सकते हैं. ओके, ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन अ कार्डबोर्ड एंड कट दैम. ट्राई टू अरेंज 12 शेप्स इन सम अदर वे. अब आपको ये क्या करना है, कार्डबोर्ड पे रखना है और ऐसे कट कर लेना है. फिर आपको इस तरीके से पजल सॉल्व करना है, ठीक है? ऐसा ही पजल आप 5x12 का भी कर सकते हो. 5x12 कैसे? ऐसे 12 और ऐसे 5. ये ऐसे कितना है? 6 है, तो ऐसे आप 5 का भी ले सकते हो. ओके, सो जिससे आप 1000 वे में आप अलग अलग कर सकते हो. 1000 वे अलग अलग होती है, ठीक है? ये ट्राई करना आप. नेक्स्ट गेम टाइम. हियर इज अ चेस बोर्ड, प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर. यहाँ पे आपको एक चेस बोर्ड दिया गया है, वो आपको आपके पार्टनर के साथ खेलना है. कैसे? जिसमें वन हियर इज अ चेस बोर्ड, प्ले विथ योर पार्टनर विथ वन सेट ऑफ 12 शेप्स. आपको 12 शेप्स से बनाना है. द फर्स्ट प्लेयर पिक्स वन शेप फ्रॉम द सेट्स एंड पुट इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर. आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक प्लेयर को क्या करना है, 5 स्क्वायर का मेजरमेंट करके आपको इस तरीके से कोई भी शेप देनी है, ठीक है? द अदर प्लेयर पिक अनदर शेप पुट इट ऑन द बोर्ड नॉट ओवर ऑफ द फर्स्ट शेप. जो सेकेंड प्लेयर होगा वो दूसरी डिज़ाइन बनाएगा पर एक के ऊपर नहीं, ठीक है? कीप टेकिंग टर्न अंटिल वन ऑफ. और आपको ये गेम तब तक रखनी है जब तक ये पूरा चेसबोर्ड भर ना जाए और जिसका सबसे ज़्यादा पीस रखे जाएंगे वो विनर होगा. मेक योर ओन टाइल रिमेंबरिंग द फ्लोर पैटर्न इन मैथ मैजिक. आपने स्टैंडर्ड 4 में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें फ्लोर पैटर्न्स पढ़ी थी, ठीक है? तो वो उसमें क्या होता था, कोई भी गैप नहीं छूटता था, राइट? सो हम ऐसे नेक्स्ट देखेंगे. जीरी वेंट टू अ शॉप एंड वॉज सरप्राइज टू सी द डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ द टाइल्स ऑन द फ्लोर. आर एन दोज ब्यूटीफुल. अब यहाँ पे फ्लोर पैटर्न दी गई है, देखिए कितने अलग अलग है और कितनी मस्त है, ठीक है? कैन यू फाइंड द टाइल विच इज रिपीटेड टू मेक ईच ऑफ दिस फ्लोर पैटर्न सर्कुलर टाइल इन ईच पैटर्न. आपको बताना है कि कौन सी पैटर्न यहाँ पे दोबारा फॉलो हो रही है, ठीक है? सो ये देखिए यहाँ पे कौन सी पैटर्न फॉलो हो रही है. तो यहाँ पे ये वाली पैटर्न फ्लोर, ये देखिए, ये एक ब्लैंक ले ले, इसको दोबारा रखी गई है तो यहाँ पे ये वाली पैटर्न फॉलो हो रही है, ठीक है? इसमें ये वाली पैटर्न फॉलो हो रही है, ठीक है? और इसमें ये वाली पैटर्न फॉलो हो रही है. फॉलो यानी कि बार बार यही पैटर्न की जा रही है, ठीक है? आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न जीरी वॉन्टेड टू मेक हर ओन येलो टाइल टू यू टू मेक अ टाइल विद दिस वे. आपको भी ऐसी टाइल्स बना सकते हो आपके डिज़ाइन में, ठीक है? तो उसने क्या किया, एक पेपर लिया 3 सेंटीमीटर का, ठीक है? फिर उसने एक जगह ट्राइंगल रखा, एक पेज एक साइड से ट्राइंगल बनाया, सेकेंड साइड से ऐसे ट्राइंगल फोल्ड किया, फिर क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है? इसको सेम एज इट इज़ रखा और इसको यहाँ से कट कर दिया फोर्थ में. तो देखिए ये कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनेगी, राइट? तो आपकी डिज़ाइन रेडी है. अब इसका जो है वो एरिया क्या बनेगा, सो एरिया होने के लिए यहाँ पे क्या करना है, क्या कितने कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, तो ये अगर आप स्क्वायर ग्रिड पे रखोगे तो 6 कंप्लीट स्क्वायर आएंगे, 1 कंप्लीट, 1 मोर देन हाफ आएगा एंड 4 हाफ क्वार्टर्स आएंगे, यानी कि 2 2s यानी कि 6 + 1 7 7 + 2 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का आपका ये ड्रॉ होगा. ओके, मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल. अब आपको आपकी टाइल बनानी है. ट्रेस द सेम ऑफ टू रिपीट इट ऑन अ पेज बट रिमेंबर 3 देर मस्ट नो गैप बिटवीन देम. आपको एक ऐसी डिज़ाइन बनानी है जिसमें कोई भी गैप ना हो, ठीक है? तो सीरी ने येलो टाइल्स का यूज़ करके कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाई. अब आपको आंसर देना है, हाउ मैनी टाइल्स शी हैव यूज. तो कितनी टाइल्स उसने यूज़ की है, सो 1 2 3 4 5 6 फुल, ठीक है? 1 मोर देन हाफ, ठीक है? एंड
9 क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब ये 1/4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से उसने टोटल कितने यूज़ की है, 12 टाइल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 टाइल्स शी यूज्ड, ठीक है। कैसे 12, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, ये दोनों हाफ ऑफ 6 फुल, ठीक है, ये दोनों हाफ ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 हाफ ली है, ठीक है, एंड 1, 2, 3, 4 क्वार्टरली ली है, यानी कि 1/4 पार्ट, तो 4, 4, 1, 2, 5, 10 ठीक है, तो 6 + 5 = 11 + 1 कितना आएगा, 12, ओके, तो इस तरीके से 12 टाइल्स उसने यूज़ की है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न दीदी हैज मेड, तो इसका पैटर्न एरिया क्या होगा, सो इसका हमने पहले देखा था एरिया, वन शेप का एरिया हमने पेज नंबर 48 पे देखा, एरिया कितना आ रहा है एक का, 9 आ रहा है, ठीक है, 9 आ रहा है ना यहाँ पे, तो फोर टाइल्स का कितना होगा इसमें, क्योंकि 4 तो पूरी पूरी है, राइट, तो 9 × 4 = 36 तो 36 का एरिया, 12 टाइल्स का कितना होगा, सो 12 टाइल्स का होगा तो 12 × 36 तो 432 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, वन शेप का 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो ऐसे 4 शेप्स का कितना होगा, वन शेप का इसमें कितना है 9, तो 4 शेप्स का कितना होगा ऐसे, तो ऐसे 4 का होगा 36, ठीक है, तो 12 टाइल्स का कितना होगा, 432 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम, जीरी ट्राई टू मेक अदर टाइल्स, यू स्टार्टेड विथ अ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर साइड एंड मेड शेप्स लाइक दिस, तो उसने 2-2 सेंटीमीटर्स के कुछ इस तरीके से शेप बनाए, अब विच ऑफ द दीज शेप्स विल टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप, डिस्कस वॉट इज द एरिया ऑफ दिस शेप, आपको इसमें से कौन सी टाइल्स लगेगी विदाउट एनी गैप, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि शेप्स सी और डी ये स्क्वायर में है, तो ये क्या होगा, ये विदाउट गैप लग सकती है, कैसे, अब ये देखिए यहाँ पे अंदर है, तो ये देखिए ये डिज़ाइन जा रही है, फिर इसके ये डिज़ाइन आ रही है साइड में, तो ये वाली नीचे कैसे होगी, ये वाली 2 डिज़ाइन जब दूसरी टाइल्स लगेगी तो ये इसके अंदर हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं बचेगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है, तो सी एंड डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट, मेक डिज़ाइन इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दो स्टेप, अब सी और डी का यूज़ करके आपको यहाँ पे पैटर्न बनानी है, 4 टाइल्स का यूज़ कर दीजिए तो भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, अब आपको ऐसे ही नई टाइल्स का शेप देना है और आपको 4 टाइल्स का यूज़ करके एक नाउ 4 शेप का 4 स्क्वायर का टाइल बनाना है, कैन यू डू द सेम विथ अ ट्राइंगल, क्या आप ये ट्राइंगल के साथ कर सकते हैं, यहाँ पे हमने स्क्वायर का साथ किया, ठीक है, ऐसे ही आप ट्राइंगल के साथ कर सकते हो, इफ़ यस देन आपको यहाँ पे बनानी है, ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है, 3 टेक्स्ट बुक में से फिनिश होता है, फिर हम वर्कबुक देखेंगे, ओके, थैंक यू।